So hello students, welcome to Scholars Institute. I am Mohammad Aman H. Siddiqui and आज का टॉपिक है कि क्लास 10th के मैथमेटिक्स के लिए हम कैसी प्रिपरेशन करना चाहिए, या क्लास 10th में अगर आपने बेसिक या स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है तो उसके लिए आप कैसे प्रिपरेशन करोगे, साल भर आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो बेटा देखो, पहली चीज याद रखो कि स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स दोनों की प्रिपरेशन के लिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रोसेस बता देता हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है और क्या क्या बुक्स आपको रिफर करनी है, ठीक है। तो देखो, अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है, पहले मैं आपको स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए बता देता हूँ, अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है तो पहली चीज याद रखो, आपको फर्स्ट हमेशा प्रिफर करना है एनसीईआरटी। बेटा पहले आप अपने एनसीईआरटी कंप्लीट करो, या तो आप एक काम ये कर सकते हो कि पहले आप अपने एनसीईआरटी के चैप्टर बाय चैप्टर प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। सपोज आपने एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है और एक बार एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर हो गया है, उसके बाद आप उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। और वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, तो उसके लिए मैं सबसे फर्स्ट बुक का आपको रेफरेंस दूंगा, फर्स्ट बुक का मैं आपको रेफरेंस दूंगा आरडी शर्मा। बेटा आरडी शर्मा एक बहुत ही बेहतरीन बुक है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इतने क्वेश्चंस हैं कि बनाते बनाते आप थक जाओगे। अच्छा, इसमें मैं एक और हिंट आपको ये दूंगा कि जब आप आरडी शर्मा बना रहे होगे तो उसके एग्जाम्पल्स क्वेश्चन बनाना, एक्सरसाइज क्वेश्चन मत बनाना। होता क्या है कि एक्सरसाइज क्वेश्चन के सोल्यूशन कई के नहीं दिए तो आप अटक जाओगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, एक एक क्वेश्चन में एक एक घंटे चले जाएंगे। एग्जाम्पल्स ही उसमें इतने सारे दिए कि आपके लगभग सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो आप अगर जैसे फर्स्ट चैप्टर आपने एनसीईआरटी का बना लिया है, ठीक है, सेकेंड चैप्टर बना लिया है, सपोज पॉलिनोमियल आपने कंप्लीट कर लिया है, तो पॉलिनोमियल के अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं तो रिफर आरडी शर्मा फर्स्ट, ठीक है। फिर वैसे ही फिर आप अपने एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर कर लो, लीनियर इक्वेशन कर लो, और फिर लीनियर इक्वेशन के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड प्रॉब्लम्स आप आरडी शर्मा से देखो। तो आप स्टार्टिंग में ये दोनों बुक को पकड़ के चलो बेटा, एनसीईआरटी करो, फिर आरडी शर्मा में क्वेश्चंस उठा के देखो कि हार्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फिर एनसीईआरटी करो, फिर आरडी करो। तो इस टाइप से आपकी इनिशियल प्रिपरेशन होनी चाहिए फॉर स्टैंडर्ड मैथ्स। अच्छा, बेसिक वालों के लिए कैसा रहेगा? तो बेसिक वालों के लिए भी बेटा, अगेन फर्स्ट जो आपको क्लास में क्लास टीचर पढ़ाएगा या ट्यूशन में आपको पढ़ाया जाएगा वो तो एनसीईआरटी ही पढ़ाया जाएगा। तो एनसीईआरटी तो आपका मस्ट है, एनसीईआरटी आपका बिल्कुल मस्ट है, 100% है कि आपको एनसीईआरटी करना ही करना है। और बेसिक वालों के लिए एनसीईआरटी एकदम दिलो जान से 100% करना है, एक एग्जाम्पल भी नहीं छोड़ना, एक एक्सरसाइज भी नहीं छोड़ना, क्योंकि आपका मैक्सिमम पेपर एम करेगा एनसीईआरटी को। तो आपको सारे एग्जाम्पल्स, सारे एक्सरसाइजेस एनसीईआरटी के करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, अगेन बेटा आप लोग भी आरडी जरूर उठाना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बेसिक वाले हो तो आरडी बिल्कुल मत यूज करो, आप बिल्कुल यूज करो। आप फर्स्ट बुक अपनी एनसीईआरटी के अलावा, सॉरी ठीक है, ये एनसीईआरटी तो बेटा बेसिक हो गया है ना, चलो इसको मैं ना सेकंड दे देता हूं, ये भी सेकंड बुक फॉर बेसिक मैथ्स, ये आप लोग आरडी ही यूज करोगे, आरडी शर्मा। लेकिन फर्क है स्टैंडर्ड वाले आरडी के हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस भी उठा के बनाएंगे, लेकिन बेसिक वाले आप जरूर एक काम ये करना कि इनिशियल जो क्वेश्चंस आरडी में दिए रहते हैं, जैसे एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3, एग्जांपल 4, स्टार्टिंग के कुछ जो एग्जांपल क्वेश्चंस होते हैं वो इजी लेवल पे होते हैं, वो ज्यादा हार्ड नहीं होते। तो आप लोग भी बिल्कुल एनसीईआरटी करने के बाद साथ ही साथ में आरडी शर्मा ओपन करके देखो और उसके कुछ इजी क्वेश्चंस जो आपसे बन पा रहे हैं वो आप बिल्कुल बनाओ, ठीक है। बाकी अपने टीचर्स से भी आप गाइडलाइन टाइम टू टाइम लेते रहोगे। तो ये दोनों बुक्स ना बेटा, ये दोनों के लिए है, ये स्टैंडर्ड वालों के लिए भी है, ये बेसिक वालों के लिए भी है, क्योंकि इतना मेहनत तो बोर्ड एग्जाम में करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इतना बेसिक वालों के लिए सफिशियंट है। अगर आप साल भर इतना कियो कि एनसीईआरटी कियो और आरडी शर्मा उठा उठा के थोड़ा थोड़ा देखियो, तो दैट इज सफिशियंट साल भर की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। स्टैंडर्ड वालों के लिए थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। एक बार आपके एनसीईआरटी के पूरे चैप्टर हो जाए,
आरडी शर्मा के भी आपने ऑलमोस्ट सारे सारे चैप्टर्स के थोड़े थोड़े क्वेश्चंस बना लिए होंगे, पूरे क्वेश्चंस बनाने तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैक्सिमम मैक्सिमम क्वेश्चन आपने चैप्टर वाइज सॉल्व कर लिए हैं। तो नेक्स्ट बुक मैं आपको बोलूंगा आप रिफर करो, योर थर्ड बुक इज ओसवाल। थर्ड बुक मैं आपको बोलूंगा रीड करो ओसवाल, ओसवाल ओसवाल पब्लिकेशन की मैथमेटिक्स की बुक आती है, Amazon में आपको मिल जाएगी। उसमें चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिया हुआ है, ठीक है, वो बुक आपको Amazon में मिल जाएगी। तो उससे फायदा क्या होगा ना, एक तो चैप्टर वाइज है, दूसरा क्या है, जब हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन बनाएंगे और देखेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन बोर्ड में इस डेट में आया था, और अगर वो आपसे नहीं बना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा वो कंसेप्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक जा रहा है, ठीक है, तो आप लोग वहां पर्टिकुलर ज्यादा ध्यान दे सकते हो। आरडी शर्मा में ना बेटा हर एक क्वेश्चन पे ना दिया नहीं रहता है कि वो इस ईयर में आए इस ईयर में आए, लेकिन ओसवाल में ना चैप्टर वाइज बकायदा क्वेश्चन बहुत अच्छे से उसमें दिए हुए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे आए हुए हैं। फोर्थ बुक मैं आपको बोलूंगा रिफर करने, फोर्थ बुक जो कि बहुत मेरी वन ऑफ मेरी माय फेवरेट बुक है, दैट इज रिलायबल, रिलायबल मैथ्स क्लास 10th के लिए, ये भी आपको Amazon में मिल जाएगी रिलायबल मैथ्स। ये ना बेटा एक एक्सीलेंट बुक है, अगर कोई हार्ड लेवल के क्वेश्चंस देखने हैं ना आपको, एक्सट्रीम अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अगर हार्ड लेवल के देखने हैं ना, तो वो आपको इस बुक में मिलेंगे, और ये बुक बहुत अच्छी है, बोर्ड एग्जाम से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस बुक से, ठीक है, तो रिलायबल एक बहुत अच्छी बुक है। आप अगर सॉल्व करना चाहो तो आरडी के बाद डायरेक्ट रिलायबल भी पकड़ सकते हो, आपके लिए बहुत ही अच्छी बुक रहेगी वो, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि स्टैंडर्ड वालों को बेटा ये फोर बुक आप लोग याद रखो, कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है। अगर आप स्टैंडर्ड ले रहे हो, आपका मैथ्स अच्छा है, तो आप आराम से कर सकते हो। मैं सारे क्वेश्चंस नहीं बोलता, लेकिन हाँ मैंने अपने स्टूडेंट्स को कराए हैं, चारों बुक भी सॉल्व होती है, ठीक है, अगर आप मेहनत करोगे तो चारों बुक से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लास्ट लास्ट एग्जाम के बेटा कम से कम 20 डेज पहले, 20-30 डेज पहले, या एक मंथ पहले ले लो, वन मंथ पहले, ये तो साल भर हो गया, ये जो बुक्स मैंने आपको बताया है ये साल भर आपको करने हैं, साल भर आपको मेहनत करने हैं, लेकिन एग्जाम के एक महीने पहले जो आप इंपॉर्टेंट चीज है वो दोनों के लिए है कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना। अब होता क्या है, दोनों के लिए बेटा, ये दोनों के लिए रहेगा प्रीवियस ईयर पेपर। अब होता क्या है ना, हम साल भर पढ़ते हैं, जब हम एनसीईआरटी करते हैं टीचर्स की हेल्प मिल जाती है, आरडी सॉल्व करोगे एग्जांपल में सॉल्यूशन दिया होता है, उस वाल में भी सॉल्यूशन दिया होता है, रिलायबल में भी सॉल्यूशन दिया होता है, तो कहीं नहीं आता है तो हम वहां पर देख के समझ लेते हैं, लेकिन जब हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके देखते हैं ना, तब हमको समझ में आता है कि हम कितने पानी में हैं, या हमारी कितनी प्रिपरेशन हुई है, या हमारी कौन कौन से चैप्टर की प्रिपरेशन बची है। तो याद रखना प्रीवियस ईयर पेपर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी सब लोग बोलते हैं कि 10 साल का पेपर करो, 10 साल का पेपर करना बहुत अच्छी बात है अगर आपके पास टाइम है, नहीं तो कम से कम बेटा मिनिमम 5 ईयर पेपर तो आपको करना ही चाहिए, मिनिमम मैं बता रहा हूं 5 ईयर पेपर आपको सॉल्व करना ही चाहिए, दोनों स्टैंडर्ड और बेसिक वालों में, दोनों को बता रहा हूं यहां पर। अभी स्टैंडर्ड के तो आपके प्रीवियस 2 ईयर के ही पेपर मिल पाएंगे, बाकी तो उस समय पहले के टाइम में स्टैंडर्ड बेसिक था ही नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दोनों को आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बेसिक वालों को भी और स्टैंडर्ड वालों को भी, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना ही करना है। और ये प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहाँ से मिल जाएंगे, तो ये प्रीवियस ईयर पेपर आपको आराम से इंटरनेट में मिल जाएगा, तो इसके लिए कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, आप नेट में सर्च करोगे तो पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई पूरी आज की बात, मुझे जो बतानी थी आपको कि स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए प्रिपरेशन कैसी करनी है और बेसिक मैथ्स के लिए प्रिपरेशन कैसी करनी है। अब लास्ट बात बेटा मैं एक और बोलना चाहूंगा, अगर आप में से ऐसा कोई सोच रहा होगा कि इतनी सारी बुक अफोर्डेबल नहीं है, इतनी सारी बुक्स जो है हम नहीं परचेस कर सकते, तो मैं आपको इसका एक सीधा सीधा रास्ता बता रहा हूं। आप एक काम करो, आप एनसीईआरटी पढ़ो
और अगर इनमें से ये तो रहना चाहिए बेटा आपके पास, ये तो मैं बोलूंगा कि मस्ट बुक है, लेकिन अगर इनमें से एक बुक अगर आप परचेस नहीं करना चाह रहे हो तो गो विथ थर्ड ऑप्शन विच इज इंटरनेट। इंटरनेट इंटरनेट इज द बेस्ट ऑप्शन। इंटरनेट में अगर आप चैप्टर वाइज एक्स्ट्रा क्वेश्चन सर्च मारोगे, जैसे आप मारोगे सर्च इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10 मैथ्स पॉलिनोमियल या हार्ड क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10 मैथ्स पॉलिनोमियल, आपको एक से एक क्वेश्चन इंटरनेट में मिल जाएंगे। तो अगर आप ये दोनों बुक बाय नहीं करना चाह रहे हो तो आप क्वेश्चंस इंटरनेट से भी ढूंढ ढूंढ के बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बुक रहे ना तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है, इंटरनेट में थोड़ा सा टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। ये चीज बेसिक वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। होपफुली ये वीडियो से आपको आइडिया मिला होगा कि आपको मैथ्स की स्टैंडर्ड मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है और बेसिक मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू क्लास।